आशीर्वाद। प्रतिदिन रात को 8:30 बजे सोने से पहले की प्रार्थना और आशीष। आशीर्वाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के संपूर्ण दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और सोने से पहले अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शांति की नींद प्रदान कर, अपनी आंखें मन कीजिए। हे दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के संपूर्ण दिन के लिए, सुबह से लेकर इस समय तक के एक एक पल के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद देते हैं, हमें सांत्वना देने के लिए धन्यवाद देते हैं, हमें प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद देते हैं, हमें प्रेम देने के लिए धन्यवाद देते हैं, शरीर को स्वास्थ्य देने के लिए, शरीर को शक्ति देने के लिए, बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन में लिखा है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। इस पवित्र वचन पर विश्वास करते हुए हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, अपने घर को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, परिवार के एक एक सदस्य को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमारी सारी चिंताओं को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमारी सारी आशंकाओं को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, भविष्य के बारे में जो हमारी आशंकाएं हैं उन सारी बातों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमें दुख देने वाले लोगों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हे पिता, हम इस समय स्वीकार करते हैं हम पापी हैं, हम कमजोर हैं, हमने अपराध किया है। उस उड़ाव पुत्री की तरह हम भी कहना चाहते हैं, हमने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है, हम पर दया कर, हमारे पाप के कलंक को मिटा दे पिता, हमारे पाप के दाग को मिटा दे पिता, पाप के द्वारा हमारे मन और हृदय में जो डर छा गया है उसे मिटा दे पिता। हे दयालु पिता, तेरे अनंत प्रेम में हमें शुद्ध और पवित्र कर, हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर, हमारी आत्माओं को शुद्ध कर। हे पिता, इस समय हम तुझसे सुरक्षा मांगते हैं। तेरे वचन में लिखा गया है, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। हम तेरे इस पवित्र वचन पर विश्वास करते हुए इस रात को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। अपने दूतों को भेजकर हमारे चारों ओर, हमारे घर के चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा बनाइए। हे पिता, ये रात हमारे लिए शांति की रात हो, हमें अच्छी निद्रा प्रदान कीजिए। कल सुबह हम बड़े आनंद के साथ एक नए दिन को देखने के लिए जाग सकें। अपना सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों। दयालु पिता, तेरी जनता पर दया कर, तूने प्यार करता है, तू उनके साथ रहता है, अपने आत्मा के द्वारा उनके जीवन में कार्य करता है, उन पर दया करना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। आज की संपूर्ण रात उनके लिए तेरे संरक्षण की रात हो, कल सुबह वे आनंद के साथ उठ सकें, तेरी संगति के प्रवेश कर सकें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। आशीर्वाद।